जनपद मुरादाबाद के थाना छजलेट क्षेत्र के ग्राम सराय खजूर की पंचायत भवन में आज तहसीलदार विभा श्रीवास्तव व खंड विकास अधिकारी हर्षिका सिंह की अध्यक्षता में एक चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी अधिकारियों ने जनता की समस्याएँ सुनी और आने वाली नई योजनाओं से भी ग्रामवासियों को अवगत कराया। चौपाल के दौरान खंड विकास अधिकारी ने ग्रामीणों को हो रही राशन कार्डों की समस्या पर विशेष रूप से चर्चा करते हुए समाधान की बात कही। इतना सुनते ही खंड विकास अधिकारी हर्षिका सिंह के टेबल पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ की समस्या देख खंड विकास अधिकारी ने राशन कार्ड की समस्या को गंभीरता से लेते हुए तत्काल ग्राम प्रधान व सचिव को खुली बैठक कर राशन कार्डों की समस्या का समाधान करने का आदेश दिया और सभी ग्रामवासियों से अपील की कि ब्लॉक स्तर से होने वाले किसी भी काम के लिए किसी दलाल को कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी का कोई काम हो तो सीधे ब्लॉक में आकर हमसे संपर्क करें और अगर कोई ब्लॉक कर्मचारी या कोई भी अन्य व्यक्ति किसी काम को करवाने के लिए पैसे मांगता है तो हमसे बेझिझक बताएं, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वहीं चौपाल में उपस्थित तहसीलदार कांड विभा श्रीवास्तव ने भी किसानों की समस्याओं को सुना और किसानों को जानकारी देते हुए कहा कि अगर किसी किसान की किसी कारण मृत्यु हो जाए और उसकी जमीन उसके परिवार के नाम करानी हो तो किसी भी लेखपाल को कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद तहसील द्वारा उसकी जमीन उसके परिजनों के नाम कर दी जाती है। उसी के साथ लेखपालों से किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए भी विवादित स्थलों पर जाकर मौका मुआयना कर तत्काल समस्या का समाधान करने का आदेश दिया और तहसीलदार ने ग्रामीणों को यह भी जानकारी दी कि अगर किसी किसान की एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तहसील में जमा करें। ऐसा करने से सरकार मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए की राशि आर्थिक रूप में सहायता देगी और अगर किसी किसान की किसी जहरीले कीड़े के काटने से मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसको 4 लाख रुपए की सहायता देगी। चौपाल कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। मुरादाबाद से न्यूज 9 नेटवर्क के लिए उरमान खान की रिपोर्ट। चौपाल में क्या क्या समस्या है? आज की चौपाल में पहले तो हमारे 2 उद्देश्य थे कि हम लोगों तक अपनी स्कीम्स अपनी योजनाएं के बारे में बता सकें, गांव वालों को पता चल सके कि क्या क्या योजनाएं हैं और किस किस का वो लाभ ले सकते हैं और दूसरी उनकी समस्याएं सुनी जा सके। तो जहां तक है मेजरली जो समस्याएं थी वो राशन कार्ड से रिलेटेड थी, सबकी ये डिमांड थी कि राशन कार्ड बन जाए और दूसरा आवास योजना से रिलेटेड थी कि लोगों को आवास के सत्यापन कराने हैं या फिर आवास चाहिए, तो ये मेजर समस्याएं। मैम राज्यसभा में कौन कौन सी समस्याएं थी? राजस्व विभाग की वैसे तो कोई समस्या नहीं आई, लेकिन इन लोगों को अवगत करा दिया गया है जो भी राजस्व विभाग से संबंधित जो योजनाएं हैं और जैसे इनके पास में कोई पैमाइश के लेकर कोई दिक्कत आती है या और भी किसी चीज़ को लेकर दिक्कत आती है तो इनको किससे संपर्क करना है और कैसे करवाना है कार्य को, उस चीज़ के बारे में इनको बताया गया है कि जो भी सभी विभागों के अधिकारी लोग हैं या जो शासन की योजनाएं चल रही हैं जिससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। कई बार आपको उनकी जानकारी नहीं होती है, कई बार योजनाओं से आप वंचित रह जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता है कि इस योजना का लाभ आप कैसे और क्यों कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी के अभाव में भी कई बार आप इन योजनाओं से दूर हो जाते हैं या किसी गलत व्यक्ति के चक्कर में पड़ के आप उसको वो आपसे कहता है कि आप हमें पैसा दो हम आपको आवास दिलाएंगे या हम आपको पेंशन दिलाएंगे, आप उसके उसमें आ जाते हैं। इन्हीं सब चीजों से आपको अवगत कराने के लिए सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारीगणों को एक छत के नीचे लाया गया है ताकि वो सरकार की योजनाओं से आपको अवगत करा सके। उसी क्रम में रेवेन्यू से जो राजस्व से संबंधित जो भी चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। राजस्व का मूल जो है वो ये है कि जो जमीनी विवाद है या जमीन से संबंधित जितने भी प्रकरण होते हैं उनका लेखा जोखा हम रखते हैं, हमारे पास होता है, कोई भी एक खातेदार है उसके पास कितनी जमीन है ये सारी चीजें राजस्व विभाग के पास में रहती है। नाम आता है 3 तरीके से, या तो वरासत से आएगा, आपके पिताजी के पास जमीन होगी वो आपके नाम आएगा, या तो दान से आएगी जमीन, या तो फिर आपके नामांतरण से आएगी, आपने किसी से जमीन खरीदी तो उसके बाद पटौनी पर आपका नाम आएगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।